एवरीवन वेलकम बैक टू एडुग्लोज। एडुग्लोज के इस वीडियो में आज हम लोग 18वीं शताब्दी से रिलेटेड जितने भी धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे उनकी चर्चा करेंगे। और इस वीडियो में आज हम लोग बेसिकली ब्रह्मा समाज को पढ़ेंगे जो आने वाले 67वीं बीपीएससी, सीडीपीओ, बिहार दरोगा, आरआरबी, एनटीपीसी और भी कई सारे एग्जाम जो आने वाले दिनों में कंडक्ट कराए जाएंगे उसके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। यदि हम बात करें 18वीं शताब्दी में जो भी धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे, जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, आर्य समाज की स्थापना हुई थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी, आत्मसभा की स्थापना हुई थी, तद्बोधनी समाज की स्थापना हुई थी, तो इन सारे जो भी सभा स्थापित हुई थी, जो भी इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश्ड हुए थे, उनका मुख्य मकसद, द मेन पर्पस ऑफ दिस सोसाइटी इज टू इरेक्ट, समाज में जितने भी कुरूतियाँ हैं उनके खिलाफ ये सुधार आंदोलन चलाया गया था। चाहे हम बात कर रहे हैं बाल विवाह की, सती प्रथा की, विधवा पुनर्विवाह की या बहु देव की, तो इन्हीं सारे सामाजिक जितने भी कुरीतियाँ हैं उन्हीं कुरीतियों को दूर करने के लिए हमारे समाज में 18वीं शताब्दी में कई सारे धार्मिक आंदोलन चलाए गए थे। और उसी की कड़ी में आज हम बात करेंगे ब्रह्म समाज की, जिसे पहले ब्रह्म सभा नाम दिया गया था, उसके बाद इसको ब्रह्म समाज में बदल दिया गया था। जब भी हम ब्रह्म समाज की बात करते हैं तो हमारे मन में एक व्यक्ति का चित्र स्पष्ट आने लगता है और वह व्यक्ति है राजा राम मोहन राय। यदि हम राजा राम मोहन राय की बात करें तो इनका जन्म कोलकाता में हुआ था और इन्हें जो बेसिकली था, इन्हें भारत में धर्म सुधार आंदोलन का संस्थापकों में से माना जाता है। इसी के कारण इसे भारत में पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आधुनिक काल में यही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने समाज में विद्यमान कुरीतियों को दूर करने के लिए लोगों को जागरूक किया, तो उन्हीं के क्रम में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी को कोलकाता में की थी। और ये जो इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड हुआ था, इनका मेन पर्पस था कि हमारे जो समाज में सती प्रथा चल रही थी, यानी सती प्रथा को डॉक्टर, ये जो राजा राम मोहन राय थे, इन्होंने इन्हें शास्त्र के आर में हत्या बताया था। ऐसा इसलिए बताया था क्योंकि सती प्रथा एक ऐसी कुरीति थी समाज में जिनकी व्याख्या करने से ही हम मानव मस्तिष्क का रुआ कांप उठता है। सती प्रथा में होता था बेसिकली यह कि जब किसी भी शादीशुदा जीवन दंपति के अगर पति मर जाता था तो पति के चिता पर उसकी पत्नी को लेटा दिया जाता था और उसी के चिता के साथ उसको आग में जला दिया जाता था, तो यही प्रथा सती प्रथा कहलाती थी। हालांकि जो राजा राम मोहन राय थे, इन्होंने 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिक की सहायता से सती प्रथा अधिनियम लाया और लोगों को जागरूक किया, जिनके कारण हमारे समाज में सती प्रथा का धीरे धीरे ह्रास होना लगा। और इसके अलावा इन्होंने बहुविवाह पर भी काफ़ी बल दिया। बहुविवाह, देखो, सती प्रथा, वेश्यागमन और बहुविवाह, ये सब एक दूसरे से काफ़ी को रिलेटेड है। होता यूँ था कि हमारे समाज में जितने भी बड़े लोग होते थे, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, साहूकार हो, ये लोग क्या करते थे, जब ये वृद्ध अवस्था में जाते थे, जब इनकी पत्नी का देहांत हो जाता था, तो ये क्या करते थे कि अपने लिए दूसरे शादी करते थे। और जब ये दूसरी शादी करती थी तो ये चाहते थे कि काफ़ी कम उम्र का लड़कियाँ हों, तो जब कम उम्र की लड़कियों से ये शादी करते थे तो ऐसा था कि वो जो व्यक्ति शादी किया था वो तो कुछ दिन के बाद टाइप बोल जाएगा, यानी मर ही जाएगा, तो क्या होता था, फिर वो जो लड़की इससे शादी करता था उसको जीवन भर विधवा रहना पड़ता था। और इतना ही नहीं,
विधवा के अलावे भी वो विधवा और अपना जीवन कहाँ गुजारे, तो इसलिए वो कहाँ चली जाती थी, वेश्या गमन में चली जाती थी। राजा राम मोहन राय ने अपने समय में जब कलकत्ता में सर्वे कराया था कि हमारे समाज में यानी हमारे शहर में कितनी वेश्या है, तो उस समय 12,000 प्लस वेश्या की संख्या पता चला था जब राजा राम मोहन राय ने काउंटिंग करवाया था, सर्वे कराया था। इन्होंने बाल विवाह यानी बाल विवाह की बात करें तो बाल विवाह का मतलब होता है कि कम उम्र में शादी, तो इन्होंने बाल विवाह का काफ़ी विरोध किया, जाति प्रथा का विरोध किया, छुआछूत का विरोध किया, और इसके साथ ही ये एकेश्वरवाद का समर्थक थे। इनका मानना था कि भगवान एक है और सभी को एक ही भगवान की पूजा करना चाहिए था, और ये जो थे ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इनके जितने भी धार्मिक संस्थान थे उसमें किसी भी प्रकार की मूर्ति का यूज नहीं होता था। इतना ही नहीं, वो सभी जितने भी उस समय धर्म चल रहे थे, चाहे ईसाई धर्म हो, हिंदू धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, सभी धर्मों को ये समान दृष्टि से देखते थे, सभी को आदरपूर्वक दृष्टि से देखते थे, और ये कहते थे कि किसी भी धर्म में जो भी अच्छाई हो उसी अच्छाई को वो एडॉप्ट कर लेते थे और फिर जो हमारे समाज में लगा देते थे। इसी के उपरांत इन्होंने 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना कोलकाता में करते हैं, और ये जो आत्मीय सभा होता है ये बेसिकली देवेंद्रनाथ टैगोर और राजा राम मोहन के संयोग से एस्टेब्लिश होता है, और इसमें एकेश्वरवाद को काफ़ी बढ़ावा देता है। इसके अलावा उन्होंने 1817 ईस्वी में डेविड हेयर की सहायता से हिंदू कॉलेज की स्थापना की कोलकाता में, और यहाँ पे उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा यानी अंग्रेजी की शिक्षा को यहाँ पे बढ़ावा दिया। 1825 ईस्वी में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। और यदि हम बात करें राजा राम मोहन राय की, तो राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। अकबर द्वितीय ने अपना पेंशन बढ़ाने के लिए राजा राम मोहन राय को ब्रिटेन भेजता है, और उस समय ब्रिटेन के राजा रहते हैं सम्राट विलियम चतुर्थ रहते हैं, उनसे ये पेंशन की बात करने ही जाते हैं। उसी क्रम में इंग्लैंड के ब्रिस्टल में 1833 का वह काला दिन होता है जब ये हम लोग को छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कर देते हैं। और इनके मरने के उपरांत कई सारे जो हमारे महापुरुष हुए इनको विभिन्न प्रकार की उपाधि दी। यदि हम बात करें सुभाष चंद्र बोस की, सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें युगदूत की उपाधि दी। और इतना ही नहीं, इसे भारत में पत्रकारिता का जनक भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अपने समय में इन्होंने कई सारे पत्रिकाओं का संचालन किया, कई सारे पत्रिकाओं का संपादन किया। यदि हम जैसे बात करें संवाद कौमुदी की, तो संवाद कौमुदी के लेखक यही थे। बंगाल हेराल्ड हो, तू फतूल मवाहिद्दीन हो, गिफ्ट द मोनाथेस्टस हो, या अन्य प्रकार के जितने भी पुस्तकें, कई सारे पुस्तकों की इन्होंने रचना की, और इस रचना में उन्होंने समाज में विद्यमान कुरूतियों को ही प्रदर्शित किया। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। यदि वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।